Hello, students. Good morning. I hope you all are fine. Students, in my previous video, I have explained you fill in the blanks and question answer of chapter 1. And now I am going to explain you exercise number C. And uh, listen carefully. You will do this exercise in your book. Uh, in moral science, uh, you will do only question answers in your notebook. एंड आई एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू विल डू जी के एंड मोरल साइंस इन सेम बुक इन दार्टिंग यू विल डू जी के एंड इन हाफ वन यू विल डू मोरल साइंस ओके सो फर्स्ट नंबर राइट what यू वुड डू इन द following सिचुएशन यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो उस सिचुएशन में आपके अपने व्यूज़ क्या होंगे आप क्या करेंगे फर्स्ट योर फ्रेंड्स टेल्स यू दैट देयर वुड बी नो स्कूल द फॉलोइंग डे आपके एक आपका एक दोस्त आपको बताता है कि आने अगले दिन फॉलोइंग डे यानी कल आने वाले दिन में स्कूल नहीं खुलेगा आप उस स्थिति में क्या करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी आई विल ट्राई टू नो द ट्रुथ मैं सच जानने की कोशिश करूँगी किसी भी तरह से अपने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन करके Uh, ऐसा नहीं है कि बच एक ने कहा और बैठ गया आराम से सेकेंड सिचुएशन अ पर्सन स्पीक्स इल ऑफ अदर्स देयर बैक अगर कोई व्यक्ति uh, उसकी किसी दूसरे व्यक्ति की एबसेंस में उसकी बुराई करता है तो आप क्या कर? ओ, ये मोस्टली होता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे आई विल स्टॉप हिम क्विकली टू स्पीक इल ऑफ अदर्स मैं उसे दूसरे की बुराई करने के लिए तुरंत रोक दूँगा रोक दूंगी थर्ड नंबर यू कम टू नो दैट स्पोक इल ऑफ यू बिहाइंड योर बैक आपको पता चलता है कि कोई आपके पीछे आपकी बुराई करता है आपकी एबसेंस में आपकी बुराई करता है इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे आई विल आस्क हिम क्वेश्चन टू रीच द ट्रूथ मैं उससे क्वेश्चन पूछ करके सच्चाई जानने की कोशिश करूँगी के कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं लेट हिम डू मतलब करने दो जो कर रहा है मेरा कुछ नहीं बिगड़ता बट होता है क्या है कि एक व्यक्ति अगर हम पहली बार अगर वो गलत कर रहा है और उसको नहीं रोकते हैं तो वो उसको आगे गलत करने की हिम्मत बढ़ती चली जाती है सॉक्रेटीज़ ने क्या किया था कि जो उनका दोस्त जो व्यक्ति आया था उनके दोस्त के बारे में बताने अगर सॉक्रेटीज़ उसको ज़रा सी भी छूट दे देते कि वो उस अप डायग्नोज के बारे में बता जो भी बताने जा रहा था तो वो पता नहीं कितनी बातें कहता सॉक्रेटिस का माइंड अपसेट होता उनका टाइम वेस्ट होता और बात कहीं से कहीं तक सही नहीं होती तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है आप उस व्यक्ति को वहीं रोक दीजिए उससे सच पहले सबसे पहले चीज है कि क्या सॉलिड है कि तो हां तुम जो बोल रहे हो वो सही है या उसको बिल्कुल रोक दीजिए आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी बैड थिंग अबाउट अदर्स मैं दूसरे के बारे में कोई भी गलत बात सुनना नहीं चाहती या नहीं चाहता द बेस्ट थिंग फोर्थ नंबर यू गेट अ स्कैरी मैसेज ऑन योर फोन आस्किंग यू टू स्प्रेड इट टू टेन पीपल आजकल ये बहुत चलता है आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है स्कैरी मैसेज आता है और आपसे कहा जाता है कि दस लोगों को इसमें आप सेंड कर दो आई विल नेवर डू इट तो आप इस रिएक्शन क्या होना चाहिए आप इस काम को कभी नहीं करेंगे ओके इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर सी एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू डी नंबर आई आर ऑलरेडी एक्सप्लेंड यू इन ऑनलाइन क्लासेस डी नंबर डू यू स्पीक इलाफ अदर्स और लिसन टू अदर्स क्या आप दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं या सुनते हैं वैन दे डू सो और अगर वो ऐसा करते हैं तो पुट अ टिक और क्रॉस टू शो वॉट यू फील अबाउट दिस हैबिट जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको कैसा महसूस होता है फर्स्ट है इट इज़ हर्टफुल टू द पर्सन इफ़ ही और शी हीयर ऑफ इट अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं और जब उसको पता चलता है कि इस बंदे ने मेरे बारे में इस तरह का बोला है तो उसको बहुत दुख होता है हर्टफुल होता है उसको चोट पहुंचती है तो ये राइट है सेकेंड नंबर इट इज़ फन एंड हेल्प पास द टाइम कुछ लोग करते हैं ऐसा कि बैठ गए चार पांच लोग इकट्ठे और लगे दूसरे की बुराई करने में उनके लिए क्या होता है फ़न और टाइम पास बट इट इज़ रॉन्ग थर्ड नंबर माई फ्रेंड्स मे नॉट ट्रस्ट मी इफ आई स्पीक ऑफ अदर्स मैं अगर किसी की बुराई करूँ किसी के दूसरे के बारे में गलत बोलूँ तो मेरे दोस्त मेरा विश्वास नहीं कर, करेंगे और करना भी नहीं चाहिए अगर सीधी सी बात है अगर कोई मेरे सामने मेरे फ्रेंड की बुराई कर रहा है तो वो दूसरी जगह जाकर मेरी भी बुराई करेगा इट मीन्स इट इज़ हिज़ हैबिट उसकी तो हैबिट में है तो ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है तो इट इज़ ऑल्सो राइट फोर्थ नंबर आई डोंट बिलीव एवरी थिंग आई हेयर फ्रॉम अदर्स दूसरों से सुनी ही सभी बातों पर मैं विश्वास नहीं करती राइट right है और करना चाहिए भी नहीं फिफ्थ नंबर इफ़ आई हेयर समथिंग नेस्टी अबाउट सम अगर मैं किसी के बारे में कुछ भी नेस्टी मीन्स होता है रॉन्ग थिंग्स अगर आप या बैड थिंग्स कह लीजिए गलत बातें सुनते हैं आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट इट तो मैं अपने दोस्त को बताने में इंतज़ार नहीं कर सकती यानी मुझे उसके बारे में कुछ गलत पता चला तो मुझे लगता है बस किसी तरह उसको बता दूं। इट इज़ रॉन्ग ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बात तो आप सुने ही ना और सुनते भी हैं तो उससे कहें ना तो दीज थिंग्स यू शुड बी फॉलो इन योर लाइफ ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए मॉरल साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने चैप्टर रीड किया रीड करने के बाद उसको क्वेश्चन uh, आंसर कर लिए एक्सरसाइज कर लिए बंद करके रख दिया मॉरल साइंस का मतलब है आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करें लास्ट है समवन टेल्स यू दैट योर बेस्ट फ्रेंड वॉज मेकिंग फन ऑफ़ यू बिहाइंड योर बैग आपसे कोई बताता है कि आपका दोस्त आपके पीछे आपका मजाक बनाता है हाउ विल यू फील आपको कैसा लगेगा एंड वॉट विल यू डू और आप क्या करेंगे तो आई विल ट्राई टू फाइंड द ट्रूथ बाई आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चन तो जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा है उस व्यक्ति से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ के मैं आ, सच्चाई जानने की कोशिश करूँगी बेस्ट थिंक है अगर कोई या तुम्हारे बारे में वो फला व्यक्ति ऐसा कह रहा कब कह रहा था किससे कहा क्या कहा आप लगातार अगर क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो उसकी सच्चाई निकल के सामने आ जाएगी सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन चैप्टर वन एंड यू आस मीन ऑनलाइन क्लासेस दैट ये एफ नंबर है ई e नंबर में हाँ ई नंबर में आपको क्या करना था उसमें क्या है वो क्लास एक्टिविटी है बेटा और उसमें क्या था कि आप चार पांच बच्चों को अपने बैग में पेज पिनअप करना था और उसमें एक मैसेज था कि जैसे मान लीजिए मैंने एक पेज अपने पीछे पिनअप कर लिया और चार पांच लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे बारे में जो सोचते हैं वो मेरी बैग पर लिखेंगे उस पे पेपर पर उसके बाद वो पेपर निकाल के रखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि मेरी इमेज किस तरह की है मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी मेरे बारे में क्या मैंटालिटी है तो ये एक्टिविटी है आप इसको अपने घर में कर सकते हैं बट आपके जो नेबरहुड में होंगे बड़ पड़ोस में जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ आप ये कर सकते हैं वो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है आ, चार पांच लोग इकट्ठे होना एक दूसरे के बैक पे पेज लगा देना एक एक पेंसिल ले लेना और जिसके बारे में जिसके जो व्यूज़ हैं वो उस पर लिख देगा चाहे हिंदी में कर लें चाहे इंग्लिश में ठीक है तो इन दिस वे योर चैप्टर वन इज़ कम्प्लीटेड नाउ सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे